सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी, समर्थकों ने लहराए झंडे, सत्यमेव जयते के लगाए नारे। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को फिलहाल राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई तत्कालिक रोक, संसद सदस्यता होगी बहाल। राहुल गांधी को राहत मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर, दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में जुटे कार्यकर्ता जमकर किया डांस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा राहुल गांधी के खिलाफ साजिश आज विफल हुई। राहुल पर फैसले को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने जताई खुशी, कहा सच्चाई की वो आवाज फिर सुनाई देगी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, ललन सिंह ने कहा राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र किया गया था। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया था और आज न्याय की जीत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सलाम करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि उनको फिर से पार्लियामेंट में, जब सजा पर रोक हो गया तो पार्लियामेंट पर को तो सदस्यता, अब जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया था उसको वापस लेना ही होगा। ललन सिंह ने अमित शाह पर भी ज्यादा निशाना, कहा अमित शाह जुमलेबाजी करते हैं, गृहमंत्री की जुमलेबाजी का असर 2024 के चुनाव में नहीं पड़ेगा। अमित शाह जी ने सर कल कहा कि कोई भी अलायंस आप लोग बना ले तीसरी बार फुल मजे, छोड़िए ना, अमित शाह जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो जुमलेबाजी करते हैं और उनके जुमले का कोई असर 2024 में नहीं होगा। इंडिया नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, याचिकाकर्ता ने इंडिया नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों को भेजा नोटिस। एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक, बैठक में पीएम नीतीश को सादा निशाना, कहा हम लोग हमेशा से त्याग करते रहे हैं, जेडीयू की कम सीट होने के बावजूद भी नीतीश को सीएम बनाया। वहीं पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी बोला हमला, कहा विपक्षी पार्टियों का गठबंधन व्यक्तिगत इंटरेस्ट वाला गठबंधन, देश में स्थायित्व तभी आया जब एनडीए अस्तित्व में आया। सांसदों के साथ पीएम की बैठक पर आरजेडी ने साधा निशाना, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा पीएम ने सिर्फ पूंजीपतियों के लिए किया है त्याग। नरेंद्र मोदी जी के त्याग का प्रणति है अडानी अंबानी, उनके त्याग की प्रणति है मेहुल चौकसी नीरव मोदी, उनके त्याग की प्रणति है देश की महंगाई। ये त्याग देश को नहीं चाहिए, ये त्याग देश को स्वीकार नहीं है। पीएम मोदी के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी, आरजेडी के हमले पर बीजेपी ने किया पलटवार, बीजेपी नेता राम सागर ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार के विकास के लिए बीजेपी ने दी थी 5 सांसदों की बदली। नीतीश कुमार की जरूरत हमारी नहीं थी, बिहार के विकास के जरूरत के अनुसार हमने इनको सपोर्ट किया था, इनसे बड़े नेता और अच्छे नेता हमारे दल में थे, लेकिन ये दूसरे तरफ चले जाते और विकास बिहार का बाधित हो जाता, इसलिए हमने अपने 5-5 सांसदों की बलि दे कर करके और इनके साथ समझौता किया था। उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा नीतीश के कंधे पर चढ़कर बीजेपी के नेता बढ़े आगे, फिर बीजेपी नेताओं ने नीतीश के पीठ में घोपा छोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बिहार दौरा, 5 अगस्त को बिहार दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे राजनाथ सिंह। अरवल में के पाठक ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, बच्चों से पढ़ाई के लिए जानकारी, कमी मिलने पर डीईओ को लगाई फटकार। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, कचहरी चौक पर 3 दिनों से धरने पर बैठे थे बीजेपी कार्यकर्ता, प्रवृत्ति में पथराव मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे कार्यकर्ता। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के दौरान पुलिस ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा, पुलिस ने पत्रकारों की भी जमकर पिटाई की। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च, धार्मिक स्थलों पर पथराव करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस की कार्यशैली पर लोग उठा रहे सवाल। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा वोट बैंक के लिए अब सनातन को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है बिहार सरकार। बिहार सरकार भाजपा और सनातनियों से इतनी डरी हुई है कि भागलपुर में तजिया जुलूस
के उपद्रवी ने जिस तरह से काली मंदिर पर आक्रमण करके हिंदुओं के मंदिर को तहस नहस करने का काम किया है, वैसे अपराधी तत्वों को गिरफ्तारी के लिए जब भाजपा के कार्यकर्ता धरना पर और अनशन पर बैठे हुए थे उनको पीटा गया बुरी तरह से और उनको गिरफ्तार किया गया, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। गांधी जी के रास्ते पर चल करके धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन कर रहे हैं और उनको पीटने का काम करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, उन पर डंडा चलवाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में पूरी तरीके से खत्म हुआ लोकतंत्र, सरकार अपराधी और गुंडे की तरह कर रही बर्ताव। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले पर सम्राट चौधरी ने कहा पूर्व जिला अध्यक्ष शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उन्हें पीटा गया, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। बिहार में पूरी तरह लोकतंत्र समाप्त हो गया, नीतीश कुमार की सरकार लगातार अपराधी के तरह गुंडे की तरह बर्ताव कर रही है। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व वहां के प्रत्याशी रोहित पांडे जो भागलपुर में शांति पूर्वक धरना दे रहे उनको जिस तरह उठाकर पीटने का काम किया गया, लाठी चलाने का काम किया गया, मीडिया के साथी वहां उपस्थित थे उनको भी पीटने का काम किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को शर्मसार करा रहे नीतीश कुमार। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक का बयान, का फुटेज के आधार पर सिटी डीएसपी को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी, पत्रकारों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। जेडीयू की भाईचारा यात्रा पर एआईएमआईएम ने साधा निशाना, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा बिहार में बीजेपी को मजबूत कराने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट के इंजन बंद होने के कारण कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान भरने के बाद बंद हुई फ्लाइट के इंजन। गया में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, बारिश के पानी में सड़ रहे जातीय गणना के रिकॉर्ड, नष्ट होने के कगार पर 4000 से अधिक प्रपत्र। मुंगेर में न्यूज स्टेट की खबर का असर, न्यूज स्टेट ने दिखाई थी गंगा कटाव की खबर, कोतुलपुरा में गंगा कटाव की खबर चलने पर हुआ असर। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर रांची में जश्न, कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी ने सदन के बाहर मिठाई खिलाकर जताई खुशी। पूंजीपतियों को मत छोड़िएगा, केवल देश में दो ही पूंजीपति और सारे कल कारखाने के हमारे बंद हो जाएंगे, सारे स्टाफ के हमारे बंद हो जाएंगे, सारे जो कल कारखाने छोटे छोटे कल कारखाने के अदानी अंबानी बेच लेगा, इसलिए मैं कहूँगा राहुल जी को एकदम इसके खिलाफ अब आवाज़ बने थे जिसको रोका गया, अब फिर से आए हैं, आप डरिए नहीं, एकदम खुल के आइए और देशवासी आपको एकदम पूरे हिंदुस्तान आपको देख रहा है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर झारखंड कांग्रेस में खुशी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सत्य की होती है जीत। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जताई खुशी, बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इरफान अंसारी का बयान, इरफान अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ये सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है, भाजपा के मुंह में करारा तमाचा लगने का काम किया, हम सबको यकीन था कि गांधी परिवार जो है, गांधी देश को दिया है, देश को खड़ा किया है अपने त्याग से अपने खून से, आज इस डेवलपमेंट आप देख रहे हैं गांधी परिवार की देन है, और राहुल गांधी के साथ जिस तरह से भाजपाइयों ने किया, क्या कसूर था, बोले बोलने पे फांसी दे दिएगा क्या किसी को आप, अब बताइए सस्ता छीन लिया आप लोगों ने, दूसरी बात है कि घर से खाली करा दिया, जो देश गांधी परिवार का है उसको आप खाली करा दीजिएगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 24 तक वेट कीजिए, 24 में राहुल जी के सर पे ताज पहनाएगी जनता। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला बीजेपी विधायकों का डेलीगेशन, विधायकों ने राज्यपाल से की झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक की शिकायत। प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को विधानसभा से पारित कराने के बाद सियासत जारी, विधेयक को छात्रों के हित में नहीं होने का आरोप लगा रही बीजेपी, बीजेपी विधायक अमर बावरी ने सरकार पर साधा निशाना। चिंताएं हैं जो हम लोगों की चिंताएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए कहा था और हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया है कि इस काला कानून को झारखंड में लागू होने से बचाए। प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को लेकर के बीजेपी के अलावा आजसू ने भी सरकार को घेरा, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। छात्रों का हित के साथ खड़ा होना नहीं चाहती है
सरकार सहानुभूतिपूर्वक किसी पर विचार करना नहीं चाहती, तुगलक ही फरमान जारी करती है। यही तो सरकार की आदत रही है और यही 3.5 साल तक कर रही है सरकार। नई तमरा इरफान अंसारी के बयान पर बवाल, बीजेपी नेता रमेश हांसदा ने दर्ज कराई शिकायत, विधायक शशिभूषण मेहता ने सबक सिखाने की कही बात। विधायक सरयू राय की बड़ी मुश्किलें, दुर्वा थाने में विधायक के खिलाफ शिकायत, FIR दर्ज करने के लिए दिया गया आवेदन, विधायक पर आहार पत्रिका के प्रकाशन में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप। CPIM नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, SIT ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जमीन विवाद में हुई थी सुभाष मुंडा की हत्या, सुभाष मुंडा के सहयोगी ने ही हत्या कराई। जब घटना ये घटित हुई है 26 तारीख की संध्या, उसके पहले दिन विनोद का उस जगह पर मूवमेंट हुआ था, वहाँ पर होने के बाद घटनास्थल से निकल गया था और उसी के द्वारा छोटू को इस संदर्भ में सूचना भी दी गई। उसके पश्चात इन सूत्रों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देने के पश्चात छोटू कल को विनोद कुमार अपनी पारी ये सारे लोग उसके बाद जो भी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर उत्पन्न हुई, सिवान में वर्चस्व को लेकर चली गोली, दो गुटों में वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष, गोली लगने से दूसरे पक्ष का एक युवक घायल। मुजफ्फरपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, सन की प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में अपराधियों का आतंक, अपराधियों ने युवक को मारी गोली। धनबाद के केंदुआडी में पुरानी रंजिश को लेकर हमलावरों ने शख्स पर किया हमला, हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल। पटना में पूर्व MLC के बेटे ने खुद को मारी गोली, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। पूर्व MLC उल्लास पांडे का बेटा है मृतक युवक, लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। दरभंगा एयरपोर्ट पर 3 कारतूस के साथ 3 लोग गिरफ्तार, गिरफ्तार लोगों में 1 सरकारी शिक्षक भी शामिल, सामानों की स्क्रीनिंग के दौरान बैग में मिले कारतूस। साहिबगंज के बोरियो में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात, पीड़िता के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद हुआ मामले का खुलासा। अस्पताल में गैंगरेप का खुलासा होने के बाद डॉक्टर ने पुलिस को दी मामले की जानकारी, पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। गया में नाबालिग की पीट पीट कर हत्या, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बगा के उत्पाद थाना से शराब कारोबारी फरार, शराब कारोबारी के फरार होने से पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। सीतामढ़ी में पुलिस ने नगर थाना के मालखाना प्रभारी को किया गिरफ्तार, थाने में शराब पीकर कर रहा था हंगामा, पुलिस ने आरोपी बबलू कुमार के खिलाफ दर्ज किया FIR। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग टीम को मिली बड़ी सफलता, गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने की छापेमारी, ट्रक से विदेशी शराब की खेप बरामद। मोतिहारी में शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी। बोकारो में अपराधियों के हौसले बुलंद, बाइक सवार उच्चकों ने महिला के साथ की छीना छपटी, महिला के गले से चेन छीन कर बदमाश फरार। लातेहार के शांति जंगल से 14 जून को बरामद कंकाल का मामला, पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज के कुचायकोट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने शराब तस्कर गिरोह के 1 सदस्य को गिरफ्तार किया, युवक की निशानदेही पर 227 पीस अंग्रेजी टेट्रा पैक शराब बरामद। सुपौल के भीमपुर पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, 675 लीटर नेपाली शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार, अररिया के नरपतगंज से ला रहा था शराब की खेप। बेगूसराय में शराबी ने खोली बिहार में शराबबंदी की पोल, पुलिस के सामने शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। शेखपुरा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुप्त सूचना के बाद अवैध बालू लदे नौ ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। समस्तीपुर में बांस के फंदे से झूलता मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दी मामले की जानकारी, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही, मौत के शव को चूहों ने कुतरा, परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। शेखपुरा में टीचर ने 10वीं कक्षा के छात्र को लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा, घायल छात्र को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधेपुरा में हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल, वीडियो में दोनों हाथ में देसी कट्टे के साथ दिख रहा युवक, मधेपुरा के बिहारीगंज थाना इलाके का बताया जा रहा वायरल वीडियो। बेगूसराय में अनियंत्रित ट्रैक्टर 8 फीट गड्ढे में पलटा, हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया भर्ती। पूर्णिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बैंक कर्मी को रौंदा, हादसे में बैंक कर्मी गंभीर रूप से घायल। बाढ़ में गंगा नदी में नहाने गए 2 बच्चे डूबे, नदी में डूबने से 1 बच्चे की हुई मौत, नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। रांची के जिलिंग सेरिंग गांव के में घुसा जंगली हाथियों का झुंड, हाथियों को देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल।
सुपौल में नाबालिग के अपहरण के मामले में कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने आरोपी को 2 साल 7 महीने की सजा सुनाई। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र से 9 दिसंबर 2020 को एक नाबालिग का किया था अपहरण। छपरा सदर अस्पताल का हाल बेहाल। सदर अस्पताल में सुरक्षा गार्ड मरीजों को लगाते हैं इंजेक्शन। सदर अस्पताल का वीडियो वायरल। शेखपुरा में प्रेमी के साथ रहने के लिए आई 2 बच्चों की मां, प्रेमी के घर वालों ने महिला को रखने से किया इनकार। महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। सुपौल सदर अस्पताल परिसर में बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर मिहिर कुमार वर्मा और सदर SDPO कुमार इंद्र प्रकाश समेत कई अन्य अधिकारी हुए शामिल। समस्तीपुर में छात्रों को नहीं मिल रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ। छात्रों को महीनों लगाना पड़ रहा है बैंकों का चक्कर। भागलपुर के परबत्ती के रहने वाले अमन राज का भारतीय ड्रैगन बोट टीम में हुआ चयन। थाईलैंड में होने वाले एशिया ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। गढ़वा के मंगरदा गांव में सांप ने महिला को काटा। इलाज के लिए महिला के साथ सांप लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। अस्पताल में सांप देख दहशत में लोग। गुमला DC सुशांत गौरव ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश। अररिया के पलासी में शुरू होगा पावरग्रिड। पावरग्रिड शुरू होने से इलाके के कई प्रखंडों में होगी बिजली की आपूर्ति। मौसम बदलने से शेखपुरा में तेजी से बढ़ रहे आई फ्लू के केस। हर दिन लगातार आ रहे सदर अस्पताल में आई फ्लू के मरीज। आई फ्लू को लेकर शेखपुरा के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बचाव के बताए उपाय। कहा आई फ्लू से डरने की जरूरत नहीं। खगड़िया के आसपास के लोगों के लिए राहत की खबर। मरम्मत के बाद पुराने गंडक पुल हुआ चालू। गढ़वा में बारिश नहीं होने से सुखाड़ की आशंका। आशंका को देखते हुए किसानों को राहत देने की तैयारी में जिला प्रशासन। बोकारो के चंदन क्यारी में घुवाई बराज सिंचाई परियोजना। चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। हल्की बारिश में ही टूटा कैनाल। गिरिडीह के उसरी फॉल पर बढ़ी सैलानियों की संख्या। लगातार बारिश के बाद उसरी फॉल उफान पर। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा कैमूर का तेलहाड कुंड। अदौरा पहाड़ी पर स्थित तेलहाड कुंड देखने के लिए पहुंच रहे दूर दूर से पर्यटक। जमशेदपुर में भी लगातार 3 दिनों से बारिश के कारण नदियां उफान पर। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी। 31 जुलाई को नूह में हिंसा का सामने आया नया वीडियो। नलहरेश्वर मंदिर में से आत्मरक्षा में की गई फायरिंग। गौरक्षक सेवा दल के सदस्य अशोक बाबा हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए। हरियाणा में नूह में हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट पर। जुमे की नमाज को लेकर के नूह के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। गुरुग्राम में भी जुमे की नमाज को लेकर दिखी कड़ी सुरक्षा। मस्जिद के बाद पुलिस के जवान रहे तैनात। नूह में दंगइयों की पहचान के बाद एक्शन तेज। दंगइयों के घर और दुकान तोड़े गए। 50 रोहिंग्या के मकानों पर चला बुलडोजर। नूह के हालातों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा नियंत्रण में है हालात। 102 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। उत्तराखंड में बारिश का कहर। रुद्रप्रयाग के जखोली में झरने में अचानक आया सैलाब। सैलाब में फंस गया। हिमाचल में बारिश का कहर। शिमला में फिर लैंडस्लाइड। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 बंद। बागेश्वर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। नदी में उफान से कई मार्ग बंद। अलर्ट पर है जल पुलिस। उत्तराखंड में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर नदी में बही कार। बाल बाल बचे कार सवार। मंडला में नदी का विकराल रूप। सड़क पर पानी आने से बहे 2 लोग। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा। MP के मंडला से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। लकड़ी लेने के लिए युवक ने उफनती नदी में लगाई छलांग। जान जोखिम में डालने को मजबूर। MP के पन्ना में बारिश से हालात बेहद खराब। कई गांव का टूटा संपर्क। लोगों की बड़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बारिश के बाद नदियों में उफान। भरतपुर गांव में नदी में डूबा ट्रैक्टर। बाल बाल बची ट्रैक्टर सवार की जान। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बारिश से परेशान लोग। सड़क के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हैं लोग। MP के रायसेन में हाईवे पर आया नदी का पानी। सिलवानी और उदयपुरा का कई इलाकों से संपर्क टूटा। दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। बिलासपुर में 2 दिनों से लगातार बारिश से परेशान लोग। 9 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रिहायशी इलाकों तक आया सैलाब। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर। डिंडोरी में नर्मदा नदी में उफान। सड़कों पर दिखा समंदर जैसा मंजर। ओडिशा के कटक में भारी बारिश। मछुआरों की जिंदगी बुरी तरीके से प्रभावित। बाढ़ के पानी में ही पकड़ रहे मछली। केदारनाथ यात्रा पर भी मौसम का असर। खराब मौसम की वजह से फिलहाल यात्रा को रोका गया।